इन भुजाओं ने धरती को निश्चर विहीन कर दिया। रावण का वध किया। किशोरी जी ने कहा भी पूरी तरह ठीक हुआ नहीं, अभी तो बहुत दुष्ट जिंदा है। अच्छा, ये चर्चा हो ही रही थी तब तक ऋषियों का एक दल और आ गया। महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। राम जी, आओ आओ महाराज आओ। कैसे? बोले महाराज एक नया रावण पैदा हो गया, उसका नाम है सहस्र रावण। सहस्र रावण भैया ये तो कैसा? बोले दस मुख वाला रावण तो है, वो हजार मुंह वाला रावण है। उसकी हजारों भुजाएं हैं, उसका नाम है सहस्र मुख रावण। हजार मुख वाला रावण है वो। महाराज देवता भी भयभीत हैं। अभी उसका प्रचंड प्रभाव बहुत व्याप्त नहीं हुआ, लेकिन अभी बस पांव फैला रहा है। और आपने रावण को कुल खानदान के सहित मार दिया, इससे वो बहुत रुष्ट है। अब तैयारी कर रहा है देवताओं पर चढ़ाई की, फिर युद्ध छिड़ेगा। तो महाराज उसका दलन कर दीजिए आप। तब तक ब्रह्मादि देवता भी आए, बोले महाराज हम लोग बहुत त्रस्त हैं सहस्र रावण से, आप कृपा करके उसको समाप्त कीजिए। राम जी बोले बिल्कुल ठीक। किशोरी जी ने मुस्कुरा के कहा देख लो, अभी अभी कह रहे थे कि हमने धरती को निश्चरों से विहीन कर दिया, देख लो आ गए ना आपके सामने परिणाम आ गया एक। वो तो दस मुंह का ही मारा था, ये तो हजार मुंह का आ गया। राम जी बोले अभी इसका काम तमाम करते हैं। राम जी उठे, लक्ष्मण जी भरत जी सब साथ गए, शत्रुघ्न जी अयोध्या जी में, हनुमान जी सब, और भयंकर युद्ध छिड़ा। उस युद्ध में एक एक करके सबके युद्ध का उत्साह ठंडा हो गया। सहस्र रावण को जीतना कठिन हो गया। उसका कारण यह था कि सहस्र रावण की सेना तो मारी गई, पर सहस्र रावण को जैसे ही राम जी बाण का प्रहार करते, उसके शरीर के रक्त की एक बूंद से 1000 रावण वैसे ही पैदा हो जाते। एक बूंद खून गिरते ही 1000 मुंह वाले 1000 रावण पैदा हो जाते, और उनको भी बाण लगेगा तो उनकी भी एक एक बूंद से उतने उतने हजार। सारा ब्रह्मांड हजार हजार मुंह वाले रावणों से भर गया। बंदर भालू जो जो राम जी के सहयोगी थे सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले बस हो गया महाराज, अब तो 10 मुंह वाला तो अब तो हो गया, अब आप जानो आपका काम जाने। राम जी भी घबरा गए, लक्ष्मण जी भरत जी भी घबरा गए, हनुमान जी भी घबरा गए। अब क्या होगा, अब तो प्रतिष्ठा की बात आ गई। तो किशोरी जी भी पधारी थी वहां युद्ध में, तो शिविर जहां लगा था वहां किशोरी जी अपनी सखियों के साथ वहां विराज रही थी। अब राम जी कैसे जाएं पराजित होकर के शिविर में, बड़े दुखी हो गए राम जी। वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा गुरुदेव अब आप समाधान करो, क्योंकि इनकी कृपा दनुज रण मारे, आप कृपा करो, युक्ति मुक्ति तो गुरु जी ही बताते हैं, आप बताओ कैसे मारें। तब वशिष्ठ जी ने कहा हे रघुनाथ, आप और जानकी जी में भेद नहीं है, पर आप शक्तिमान हैं, आपकी शक्ति तो ये हैं, आपने वहाँ भी जो विजय की थी इनकी कृपा से की थी, शक्ति तो इन्हीं की थी, अब किशोरी जी को मनाओ, वो कृपा करके समाधान करेंगी, तब सहस्र रावण मरेगा, नहीं तो मरेगा नहीं। तब वशिष्ठ जी ने राम जी को उपदेश किया है, और राम जी ने श्री सीता सहस्र नाम के द्वारा, राम जी ही उसके ऋषि हैं, राम जी ने सीता सहस्र नाम के द्वारा श्री किशोरी जी की, जानकी जी की 1000 नामों से स्तुति की। जब राम जी स्तुति करने लगे श्री जानकी जी, जानकी जी उस समय सेज पर पौड़ी हुई थी, लेटी थी, सखियां चमर और व्यजन आदि लेकर खड़ी थी, और राम जी थोड़े दूर, उतनी दूर समझ लो जिसमें ज़्यादा उनको विक्षेप ना हो, और वो स्तुति कर रहे थे। जैसे ही उन्हें लगा कि मेरे प्रियतम का शब्द है, किशोरी जी उठी,
और उठ करके उन्होंने सखियों से पूछा, बात क्या है, युद्ध से ये आ गए, क्या बात है? तो धीरे से सखियों ने सारी बात बता दी। तो किशोरी जी ने ऐसे किया, जैसे ही ऐसे किया उनके केश खुल गए और खुले हुए केशों से अट्टहास करती हुई भद्रकाली प्रकट हो गई। आज्ञा करो भगवती स्वामिनी, आज्ञा करो, जाओ सहस्त्र रावण का काम सफाया करो। उसी समय वो महाराज राम जी ने कहा, राम जी से कहा कि अब आप युद्ध करो। राम जी युद्ध करने लगे, जितने सहस्त्र रावण पैदा होते वो उनका खून धरती पर गिरेगा तब ना सहस्त्र रावण पैदा होंगे। वो जितना खून गिरने से पहले ही काली जी सब जीव से चाट जाती, एक बूंद नहीं गिरने दिया, साफ खत्म है गई सहस्त्र रावण। और महाराज जितने बचे खुचे थे उनको मुंह में डाल डाल के सबको चबा के जय सियाराम। मरा तो सहस्त्र रावण राम जी के ही बाण से, लेकिन बिना किशोरी जी की कृपा के नहीं मरा। अब जो भगवती भद्रकाली प्रकट हुई थी किशोरी जी के केश पास से, केशों के हिलाने से वो प्रकट भई थी केश काली, वो जैसे ही प्रकट भई थी, अब महाराज किशोरी जी की शक्ति लेकर आई हैं, साक्षात किशोरी जी ही हैं उस रूप में। अब तो महाराज हाहाकार मच गया, दशों दिशाएं व्यथित हो गईं, आकाश से उल्कापात होने लग गया, समुद्रों का जल खोलने लग गया। अब क्या होगा, सूर्य चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ गई, अब तो महाराज प्रलय हो जाएगा, भगवती प्रलय कर देंगी, अब क्या होगा, अब स्तुति करें तो वो सुने कहाँ स्तुति, दम अट्टहास करें, ज्वाला उनके नेत्रों से मुख से प्रकट होवे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। देवाधिदेव महादेव जी ने, शंकर जी ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं इनको शांत करने का। तो वे दौड़ रही थी भगवती भद्रकाली, और दौड़ती हुई भद्रकाली को देख करके भगवान शिव पौड़ गए, लेट गए। अब वो तो आवेश में थी, और वो दौड़ते हुए जैसे उन्होंने देखा नहीं नीचे कौन है, तो जैसे ही उनका दाहिना चरण भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ा तो उनको लगा कि नीचे किसी के ऊपर पैर मेरा पड़ा है। तो जैसे ही उन्होंने देखा, अरे ये तो भगवान शिव हैं, मेरे प्राण जीवन धन हैं। जैसे ही शिव जी को देखा तो देखते ही ऐसी जीव निकल आई, ऐसी जीव निकल आई, और वो जीव प्रसन्नतम, शंकर जी हैं, ये भोले बाबा हैं। अब क्रोध ठंडा हो गया। ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने, समस्त देवताओं ने कहा, भगवती आपका स्वरूप बड़ा सुंदर है, और शंकर जी ने कहा आप किशोरी जी के श्रीअंग से प्रकट भई हैं, इसलिए मेरे लिए तो किशोरी जी के ही समान हैं, आपका चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़ा, मैं अपने को धन्य मानता हूँ, आप जिस स्थल पर चरण पड़ा है आपका मेरे वक्षस्थल पर, उसमें आप सिद्ध पीठ के रूप में विराजमान हूँ मैं। तो जहाँ ये काली जी का दाहिना चरण पड़ा था वही दक्षिणा काली हैं, कलकत्ता की काली यही हैं, वहाँ शंकर जी जहाँ पौड़े थे और जहाँ भगवती का चरण उनके वक्षस्थल पर पड़ा था, आज भी कलकत्ता में काली जी का दर्शन करो तो नीचे शंकर जी लेटे हैं और उनके वक्षस्थल पर भगवती का चरण है, दाहिना चरण है, दक्षिणा काली भगवती। इसलिए भगवती भद्रकाली उनके श्रीअंग से प्रकट हैं, इसलिए तद्रूपा ही हैं, और श्री किशोरी जी ही तो राम जी के चरणों में नेम और प्रेम देंगी, क्योंकि श्री किशोरी जी रूपी हैं, श्री किशोरी जी जैसे राम जी रूपी हैं और भैरव रूप रुद्र वो रूप हैं, ऐसे ही किशोरी जी रूपी हैं और भगवती दुर्गा, भगवती भद्रकाली का, भगवती चामुंडा, ये उनका रूप हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।